So good morning friends, welcome to PD classes. Today a very important session for all those who want to make their career in assistant section officer. दोस्तों आप अच्छे से जानते हैं कि इस particular session से related interview आपके लिए हम दे रहे हैं। हमारे दोनों चैनल्स PD classes और interview guide पर आपको बहुत से videos regarding interview body language मिल जाएंगे। आज जो मैं interview लेने जा रहा हूँ वो है ASO in cabinet secretariat। I hope कि ये जो सेशन है ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा, क्योंकि बहुत से बच्चे इस इंटरव्यूज के लिए डिमांड कर रहे थे। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा आपसे मुक्ता, yes, कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का वर्क क्या होता है, उसका कार्य क्या है? श्योर सर। सर एक असिस्टेंट ऑफिसर का वर्क होता है कंप्लीटिंग फाइल्स एंड प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स एंड रूटीन नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग एंड हाँ जी सर एंड राइटिंग लेटर फॉर्मुलेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ पॉलिसीज वेरी गुड एंड सबमिट ऑफ केसेस वेरी गुड केसेस सबमिट करना मॉनिटर करना पॉलिसीज को जो भी बन रही है सर ओके एंड फाइनेंशियल का जो वर्क होता है उसे करना फाइनेंस रिलेटेड वर्क भी यस सर एंड अलग अलग गवर्नमेंट्स डिपार्टमेंट्स का बजट तैयार करना ओके वेरी गुड अलग अलग गवर्नमेंट बजट्स जो बनाना वो भी एक ASO का वर्क है और यहाँ पर टू मेंटेन द लिंक बिटवीन पार्लियामेंट एंड सेंट्रल सेक्रेटेरिएट ये भी एक वर्क हमारे ASO का होता है दैट इज असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। चलिए फिर अब मैं आपसे शुरुआत करता हूँ इंटरव्यू की। आप जानते हैं कि इंटरव्यू वाले बच्चे जो जाएंगे उनको 15 लाइंस अपने रिज्यूमे में लिखकर लेकर जानी है अबाउट देमसेल्फ्स। तो क्या कुछ प्रिपरेशन है आपकी तरफ से? यस सर। तो वो 15 लाइनें कुछ एग्जांपल दीजिए हमें, क्या क्या बतानी चाहिए? आई एम मुक्ता एंड माई नेम मीन्स पर्ल्स एंड आई एम वेरी मच सिमिलर टू माई नेम एज आई एम चैलेंजिंग गर्ल एंड आई एम पंक्चुअल ऑनेस्ट। I have done BA 60% with from Maharaja Ganga Singh University. Sir, मैंने अपनी 10th government school से की है with 50% से and मैंने sir 12th भी उसी school से की है राजस्थान श्री गंगानगर से की है उसमें मैंने sir 65% से की है and my hobbies are playing games and reading books and मुझे new people से मिलना new cultures के बारे में जानना it and my strength are I am punctual, honest and determined, dedicated person. Very good, बहुत बढ़िया। आपने जो भी 15 lines का criteria हमारे students लेकर जाएंगे मुझे उम्मीद है ये जो particular lines आपने बताई है yes, sir. Matter नहीं करता आप किस language में लिखकर जा रहे हैं मगर important is कि आप क्या लिखकर लेकर जा रहे हैं that is more important। तो आपने बहुत अच्छा बताया और ASO के लिए मैं हमेशा बताना चाहूंगा he maintain the link between parliament and general secretariat। तो इस बात का ध्यान हमेशा हमारे students रखेंगे। अब मैं आपसे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ कि ASO में क्या क्वालिटी होनी चाहिए आपके हिसाब से, कि कोई पर्सन अगर ASO लग रहा है तो उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? यस सर। सर उसमें क्वालिटीज होनी चाहिए, उसे ऑनेस्ट रहना चाहिए, पंक्चुअल रहना चाहिए एंड एनी टाइम उसे रेडी रहना चाहिए, क्योंकि क्वालिटीज हमारे लिए सबसे बेस्ट होती है। उसे हर चीज के लिए फिट भी रहना चाहिए क्योंकि सर हमें अपनी बॉडी को हमेशा फिट रखना चाहिए, इसीलिए हमें ये इसमें क्वालिटीज होनी चाहिए एंड टाइम का पाबंद होना चाहिए उसे। आप जानते हैं आपने बताया यहाँ पर ड्राफ्टिंग राइटिंग लेटर्स, तो किस चीज का नॉलेज उसको जरूर हो आपके हिसाब से? सर उसे नॉलेज होना चाहिए, टाइपिंग उसे अच्छे से आनी चाहिए इंग्लिश एंड हिंदी में एंड 15 एंड या फिर सर 45 वर्ड्स ऑलरेडी होने चाहिए। यस सर। और आपके हिसाब से क्या कंप्यूटर का नॉलेज वाकई में वास्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर? यस सर। वेरी गुड। चलिए आप मुझे अब ये बताइए कि मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। जैसा मैंने आपसे बोला कि क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, सेक्रेटेरिएट के अंदर आप जॉब पा रहे हैं, एक ASO की पोस्ट है, तो आप ये नौकरी क्यों करना चाहते हैं, मेरा ये क्वेश्चन है आपसे। क्योंकि सर एक ये रेप्यूटेटेड जॉब है एंड इसमें सर एक ये रिस्पेक्टेड भी है क्योंकि जब सोसाइटी में ये सब ये चीज़ होती है तो हमें उससे रिस्पेक्ट मिलती है एंड ये चैलेंजिंग भी है क्योंकि मुझे चैलेंज लेना काफ़ी पसंद है एंड मैं ऑनेस्ट हूँ सर तो इसलिए मुझे इस जॉब में सर अच्छे से रिस्पेक्ट मिल रही है तो मुझे ये काफी तो अच्छा आपको लगता है आप इस जॉब को संभाल सकते हैं? यस सर इजीली। चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूँ इंटरव्यू बेस, तो हमारे स्टूडेंट्स को भी इसका बेनिफिट जरूर मिलना चाहिए। सबसे पहला तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं बड़ा कॉमन क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ कि आप अकेले काम करना पसंद करते हैं या टीम में? एक्चुअली सर मैं वैसे तो जरूरत पड़ने पर अकेले वर्क कर लेती हूँ, बिकॉज मेरा मानना है कि सर जब हम टीम में वर्क करेंगे तो उसका रिजल्ट है जो काफी बेटर होगा।
आपने अपने नाम का मीनिंग पर्ल बताया था, उसका मीनिंग मोती होता है। यस सर। ओके, सो आप अपने नाम के अनुरूप हैं? यस सर, आई एम वेरी मच सिमिलर टू माय नेम एंड आई एम चैलेंजिंग गर्ल, आई एम बोल्ड गर्ल बिकॉज आई एम ऑनेस्ट एंड पंक्चुअल। ओके, देखिए वैसे तो हमने जो ये फॉर्म नहीं रखा कि भाई कोई आज तो वुमेन एम्पावरमेंट आगे बढ़ रहा है, हर जॉब के लिए वर्क है, मगर आप जानते हैं कि कई बार इस वर्क के अंदर थोड़ा प्रेशर होता है। यस तो आप कैसे हैंडल करेंगी प्रेशर को? यस सर, सर मेरा मानना है कि प्रेशर जब होता है जब वर्कलोड होता है। एग्री। एक्चुअली वर्कलोड जब होता है जब हम किसी वर्क को डिले करते हैं। सो सर मैं किसी वर्क को डिले नहीं करती, अगर मैं किसी वर्क को डिले करूँगी तो उससे वर्कलोड ज़्यादा होगा, ज़्यादा होने से वो हमारे ऊपर प्रेशर होगा। इसलिए आई एम बोल्ड गर्ल बिकॉज आई एम चैलेंजिंग। ओके, चलिए मुझे ये बताइए कि व्हाई शुड आई सेलेक्ट यू? श्योर सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आई एम हार्डवर्किंग गर्ल एंड ऑनेस्ट एंड पंक्चुअल। सर हम ये कहना चाहेंगे कि आप पंक्चुअल तो है पर हमारे पास और भी बहुत सी गर्ल्स हैं जिनके पास शायद आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस भी हो, तो मैं उनको क्यों ना लूँ, मैं आपको क्यों लूँ? यस सर, सर ऑल दो मैं उनसे अपना कंपेयर तो नहीं कर सकती क्योंकि वो मेरी तरह क्यू में खड़े हैं, बट मैं सर अपने बारे में ज़रूर बताना चाहूँगी कि मैंने जितनी भी मेहनत की है बहुत अच्छे से की है एंड आई एम हार्ड वर्किंग। अब मैं चाहता हूँ आप अपनी वीकनेस हमें बताइए कि आप में कमजोरी क्या है। यस सर, आई नीड टू इम्प्रूव माई हैड राइटिंग एंड आई नीड टू इम्प्रूव माई इंग्लिश। तो इंग्लिश इम्प्रूवमेंट के लिए आप कुछ कर रहे हैं? यस सर। सर मैंने पीडी क्लासेस ज्वाइन की है, उसमें मैं फादर ऑफ गॉड फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर बुक्स को मैं पढ़ती हूँ सर। ओके, वेरी गुड। क्या अपनी फैमिली के बारे में कुछ हमें बताएंगे? यस सर, देयर आर 7 मेंबर्स एंड माई फादर, माई मदर एंड माई 3 सिस्टर एंड 1 ब्रदर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आप बताए, अच्छा बता रहे हैं। अच्छा अब आप मुझे ये बताइए कि कई बार क्या होगा कि आपको इस जॉब के लिए हो सकता है अपना होम टाउन ना मिले, तो ट्रांसफर्स भी हो, तो आप मैनेज कैसे करोगी? कभी बाहर रही हो आप? यस सर, सर मैं आउट ऑफ सिटी रही हूँ क्योंकि सर मैं एक कहाँ घूमे हो आप? यस सर, क्योंकि सर मैं एक नेशनल प्लेयर हूँ, मैं चेन्नई, बॉम्बे, दिल्ली, अमृतसर, आप काफी आउट ऑफ सिटी में रही हूँ। तो आप टीम में गए हो, अब आपको अकेले रहना होगा, तो कैसे मैनेज करोगे? सर मैं इजीली मैनेज कर लूंगी क्योंकि उसी टाइम भी मैं अकेले ही गई थी वहाँ। इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, डे हो या नाइट हो मैं इजीली हैंडल कर लूंगी। ओके, और आप जानते हैं कभी कभी सेक्रेटेरिएट का काम है कैबिनेट में ऐसा होता है कि बहुत सा वर्क आ जाता है कई बार, क्योंकि केंद्रीय सचिवालय में जॉब पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है जिसमें आप पा रही हो। और आपने बताया कि आप एक कॉन्फिडेंट गर्ल हो, ऑनेस्ट और बोल्ड, चैलेंजेस पसंद करती हैं। yes. तो यहाँ पर कभी ऐसा भी होगा कि आपको ओड आवर्स में भी काम करना पड़ेगा, यानी कि ये भी हो सकता है कि हो सकता है आपको वर्किंग के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा आवर्स में ड्यूटी देनी पड़े। मान लीजिए आपने जिस तरीके से इसका वर्क प्रोफाइल हमें बताया कि ड्राफ्टिंग करनी है, तो कभी एक्स्ट्रा ड्राफ्टिंग करनी पड़ जाए, लेटर राइटिंग के अंदर आपको इमरजेंसी में कभी लेटर लिखना पड़ जाए, तो उस समय आप मैनेज कैसे करोगी, ऑड आवर्स को कैसे मैनेज करोगी? यस सर, सर जो मेरा ऑड आवर्स मैं उसे मैनेज करती हूँ, मैं उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ, ए प्लस, ए एंड बी। जो सर ए प्लस होता है वो मेरा प्रोफेशनल वर्क होता है, मैं उसे प्रोफेशनल वर्क के लिए टाइम देती हूँ। बिकॉज सर जो ए है वो मैं जो फैमिली से रिलेटेड वर्क है उसे टाइम देती हूँ, एंड सर जो सी है जो सोशल मीडियाज वर्कर है जो मैं कभी कभी उसे टाइम दे सकती हूँ, बट सर मैं ए प्लस को ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानती हूँ क्योंकि वो प्रोफेशनल वर्क मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड, आपने ऑलमोस्ट मुझे सारे आंसर्स दिए हैं मैंने आपसे जो भी कुछ पूछा है, और मुझे लगता है दिस मॉक सेशन विल बी वेरी वेरी फ्रूटफुल फॉर अवर स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स हमारे दोनों चैनल्स एंजॉय कर रहे हैं, इंटरव्यू गाइड भी और पीडी क्लासेस वाला चैनल, तो दोनों चैनल्स के थ्रू हम अपने स्टूडेंट्स को बॉडी लैंग्वेज वगैरह भी सिखा रहे हैं। हाँ, इस पर्टिकुलर जॉब में मैं बताना चाहूंगा आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को थोड़ा सा ज्यादा रखना है, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को यहाँ गाइड करना चाहूंगा कि देखिए स्टूडेंट्स की अगर आपसे आपकी वीकनेस वो लिखवा रहे हैं, आपसे पूछ भी रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा प्रोफेशनल होना पड़ेगा। आप डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि सर मुझे गुस्सा बहुत आता है। Yes. ये एक वीकनेस है लोगों में देखी जाती है, शॉर्ट टेम्पर, मगर इंटरव्यू में आप बिल्कुल भी ये नहीं बताएंगे। इसके अलावा आप ये नहीं बताएंगे सर कि मैं बहुत ज्यादा अपने काम को बहुत जल्दी जल्दी करने में इम्पेशेंट जिसे हम बोलते हैं हूँ, तो वो भी गलत वीकनेस होगी। नेगेटिव सोच या नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव एटीट्यूड ये भी बहुत ज्यादा गलत होता है, तो इस तरीके के कुछ वर्डिंग्स क्रिटिसाइज करना ये भी एक नेगेटिविटी है। yes. तो आप इस तरीके के वर्डिंग्स अवॉइड करेंगे। मुझे उम्मीद है आपने जो एक तो वीकनेस बताई मुझे कि सर थोड़ी बहुत मैं अपनी इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश पे वर्क करना चाहिए, ये चलेगा। इसके अलावा हैंडराइटिंग मुझे थोड़ी इंप्रूव, ये भी चल सकता है, कोई बहुत मेजर वीकनेस नहीं है।
बहुत से बच्चों की आदत होती है कि वो हमेशा अपनी वीकनेस बताते हैं इमोशनल. यस सर. तो प्लीज आप इमोशनल वीकनेस नहीं बताएंगे इस रैशनल वर्ड के अंदर. अगर आप इमोशनल वीकनेस, एक्चुअली इमोशनल एक ट्रेट है, वो एक क्वालिटी है. अगर कोई व्यक्ति कोई स्ट्रेंथ पूछते हो और वो व्यक्ति कहता है सर मैं अच्छा हूं, तो ये उसकी स्ट्रेंथ नहीं है, ये उसमें क्वालिटी है. ठीक है, स्ट्रेंथ नहीं हुई उसकी. स्ट्रेंथ हुई कॉन्फिडेंट, पंक्चुअल, ऑनेस्ट, क्रिएटिव, डिटरमिन्ड, डेडिकेटेड, हार्ड वर्किंग, ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव एटीट्यूड. आप इसमें से कोई भी स्ट्रेंथ चूज कर सकते हैं. और अगर आप वीकनेस की बात करते हैं, तो आपको अगर अच्छी वीकनेस कोई बतानी है, तो आप मेरे कहने पर यह बता सकते हैं कि सर मैं हर काम को परफेक्ट और कंप्लीट करके ही दम लेता हूं, यानी कि आई वॉन्ट एवरी वर्क इन परफेक्ट मैनर. इसकी वजह से, बिकॉज ऑफ दिस माई पर्सनल वर्क गेट हैम्पर्स, मेरा जो पर्सनल वर्क है वो रुकता है सर. अब आप यहां पर एक एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि सर ड्यूरिंग लंच और ड्यूरिंग एग्जाम डे सर मैं अपना लंच स्किप कर देता था, तो मदर से बहुत डांट खाई है सर, पेरेंट्स से बहुत डांट खाई है. तो एक बहुत मेजर वीकनेस आपने हाईलाइट नहीं करी, जस्ट एक छोटी सी वीकनेस दे दी फॉर द शेक ऑफ गिविंग. यानी कि आप ये भी कभी मत कहना कि मेरे अंदर कोई वीकनेस नहीं है, ये भी एक सबसे बड़ी वीकनेस है. इसका मतलब है कि आप में, आपको अपनी वीकनेस पता नहीं है, तो ये भी गलत है. और जिस सिटी से आप बिलोंग करते हैं, जैसे मुक्ता अगर श्री गंगानगर से, तो ये एड ऑन कर सकते हैं अपने इंट्रोडक्शन में कि सर आई बिलोंग टू श्री गंगानगर विच इज ऑल्सो नोन एज द फूड बास्केट ऑफ राजस्थान. अगर कोई जयपुर वाला बच्चा देख रहा है विच इज ऑल्सो नोन एज अ पिंक सिटी ऑफ राजस्थान. तो आप ये देखिए कि आप क्या बता सकते हैं. आप अगर सोनीपत के हैं तो एजुकेशन हब कह सकते हैं. आप डिपेंड करता है दोस्तों कि आप किस जगह पर हैं, अपने शहर की कौन सी ऐसी क्वालिटी बता सकते हैं. पर एक बात हमेशा याद रखना कि वो आपसे आपके बारे में जरूर पूछेंगे, आपसे सिटी के बारे में पूछेंगे, आपकी फैमिली के बारे में पूछेंगे, वर्क प्रोफाइल जरूर पूछेंगे. तो वर्क प्रोफाइल के पॉइंट्स आप इलैबोरेट करके बताना. मुक्ता ने नो डाउट आपको पॉइंट सिर्फ पॉइंट वाइज बताइए, मैं ये कहूंगा अगर आप इलैबोरेट करके बताएंगे तो आपका नॉलेज ज्यादा दिखेगा और आप कॉम्पिटिटर से ज्यादा आगे रहेंगे. तो इस इंटरव्यू के लिए बेस्ट ऑफ लक, मेरी दुआएं आपके साथ है. और मुक्ता को थैंक यू सो मच. मुक्ता कीप इट अप. बहुत बढ़िया.